सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई बजाज ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया अपनी बिगेस्ट पल्सर जो कि होने वाली है NS 400। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो है अपडेट आ रहे थे और बहुत सारे ना लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि यार जो डोमिनार का इंजन है वो NS में क्यों नहीं आता। तो ये जो बाइक है ना लॉन्च होने वाली है 3 मई को, राइट, मतलब कि कुछ ही दिन में ये लॉन्च भी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो होने वाली है ना बिगेस्ट पल्सर होने वाली है, जैसे कि आप जानते हो कि भाई अभी RS वगैरह आती है देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये जो बाइक होने वाली है सबसे बड़े इंजन के साथ आने वाली है पल्सर कैटेगरी में। और जितने भी कंपेटिटर दोस्तों फिलहाल इंडियन मार्केट में KTM वगैरह उन सबको टक्कर देगी। वेल लुक आप देख ही सकते हो, हल्का फुल्का हाईलाइट करा है बजाज ने और लुक भाई बहुत ही बढ़िया है। और अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया कि इसके अंदर कौन सा इंजन देने वाला है, बट यस दोस्तों सोर्सेस से पता लगता है कि भाई इसके अंदर जो आपको इंजन देखने के लिए मिलने वाला है वो मिलने वाला है बजाज 400 का, जो कि दोस्तों अपने डोमिनार का इंजन है जो कि बहुत सक्सेसफुल इंजन है। आप जैसे कि जानते हो कि भाई लोगों ने वर्ल्ड टूर वगैरह सब कुछ करे हैं और लुक जो है ना काफी शार्प डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ट्रेलर से देखने से मिलता ही है कि भाई यार जो इसके LED वगैरह होने वाले हैं वो कमाल के होने वाले हैं। USD फोक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, पूरा जो है बल्कि सेटअप आपको पूरा बाइक पे देखने के लिए मिलेगा। तो यार ये जो है बहुत बढ़िया है और ये जो है बहुत ही जल्द बजाज जो है 3 मई को जो है लॉन्च करने वाला है, तो ऑफिशियली आपको ये बाइक दिख जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बजाज ने एक नया इंजन बनाया इस बाइक के लिए या फिर इसके अंदर होने वाला है डोमिनार या फिर किसी और बाइक का इंजन यूज, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप एक्साइटेड हो इस बाइक के लिए या नहीं वो भी जरूर बताना। तो दोस्तों ये था एक अपडेटेड वीडियो इस बजाज पल्सर के बारे में। आई होप ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव रहो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।